पहला भाग अध्याय 14 राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 14। उस समय यारोबाम का बेटा अबियाह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहां तो अबियाह नबी रहता है जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और पपड़िया और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के को क्या होगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहियाह के घर पर आई। अहियाह को कुछ सूझबूझ न पड़ता था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, और यहोवा ने अहियाह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी। जब अहियाह ने द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बताती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। तू जाकर यारोबाम से कह कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इसराइल पर प्रधान किया, और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है, और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, परन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इसराइल के मध्य हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लेता जाता, वैसे ही मैं यारोबाम की घराने की सफाई कर दूंगा। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा, उसे तो समस्त इसराइली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इसराइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इसराइल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नाश कर डालेगा, परंतु कब, यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इसराइल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा नाम मूर्तें अपने लिए बनवाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है, और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इसराइल से करवाए थे यहोवा इसराइल को त्याग देगा। तब यारोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिरजा को आई, और वह भवन की देवड़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहियाह नबी से कहलाया था, समस्त इसराइल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। यारोबाम के और काम, अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यारोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके
अपने पुरखाओं के साथ सो गया और नादाब नाम उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। और सुलेमान का पुत्र रहुबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहुबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इसराइली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर, सब हरे वृक्षों के तले ऊंचे स्थान और लाठे और अशेरा नाम मूर्ति बना ली, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। निदान वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा रहुबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब के सब उठा ले गया, और सोने की जो ढाले सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहुबियाम ने उनके बदले पीतल की ढाले बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंपा दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख देते थे। रहुबियाम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? रहुबियाम और यारोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही। और रहुबियाम, जिसकी माता नामा नाम एक अम्मोनिन थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गया और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। पहला भाग अध्याय 14 राजाओं का वृत्तांत। पहला भाग अध्याय 14। उस समय यारोबाम का बेटा अबियाह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहां तो अबियाह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और पपड़िया और एक कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के को क्या होगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शिलो को पहुंची और अहियाह के घर पर आई। अहियाह को कुछ सूझबूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहियाह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में, जो रोगी है, कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी। जब अहियाह ने द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री